दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो एक मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी वीडियो को मेरी देखते हो, आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं आपको देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को आप अगर पूरी नहीं देखते हो तो आधी तब भी देख लेना, विदाउट स्किप, एनी स्किप। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो आना आपकी चला दिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को अगर आपने प्ले किया है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, इस वीडियो से मेरा जो है इंगेजमेंट डाउन हो जाता है। और आप, मैंने देखा है कि व्यूज तो आते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लोग आते हैं कि देखते हैं 10-5 मिनट देखते हैं, उसके बाद जो है मतलब 7-8 मिनट की वीडियो होगी। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को आपको क्या करना है कि पूरा देखना है, ठीक है? देन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरीके से बारीकी से किस तरीके से अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब वीडियो को, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काम किया है, उन पे किया व्यूज है, कितना व्यूज है, सारा कुछ जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने अपलोड किया है वीडियो, ठीक है? तो कैसे वीडियो अपलोड करना है सारा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी और जानकारी है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखाई पड़ जाएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारी सी कमेंट भी कर देना। चलते हैं अपने मोबाइल डिस्प्ले और सारा प्रोसेसर आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने मोबाइल डिस्प्ले पर। अब यहाँ पर एक बार आपको, पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ जो मैंने वीडियो मेरे चैनल पर सक्सेस हैं और मैंने किस टाइप से, जिस टाइप से अब मैं बताने वाला हूँ उस टाइप से मैंने अपलोड किए हैं। तो पहले तो मैं YT स्टूडियो पर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो YT स्टूडियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा चैनल है, आप चाहे सर्च कर सकते हो। मैं नाम भी बताने वाला हूँ, टेक्निकल संदीप 23, ठीक है? और वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी, प्रॉपर आप चेक भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर वीडियो, ना कि हर वीडियो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा व्यूज है और अच्छा खासा अर्निंग भी हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा खासा सब पे व्यूज है, ऐसा नहीं है कि उनने का एक दो वीडियो वायरल है, लेकिन मेरी लगभग सभी वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक के बारे में एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी 4 महीने मुश्किल से हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हैं, व्यूज देख सकते हैं, क्लिक तो रेट देख सकते हैं, इंप्रेशंस देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा मुझे रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरी वीडियो जो है रैंकिंग और वायरल भी हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल डिस्प्ले पर। पहले तो यहाँ पर आते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता था कि लोग आपको बताते थे क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड करने के, लेकिन जब से बीटा एप्लीकेशन के बीटा लॉन्च हुआ है यूट्यूब का, तब से आपको बहुत से लोगों से पता नहीं होगा कि बीटा होता क्या है, ठीक है? और मैं बता देता हूँ, जब से बीटा लॉन्च हुआ है तब से वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और वहाँ से जब वीडियो आप लोग अपलोड करते हो तो कुछ कोई ना कोई मिस्टेक आपसे छूट जाती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो आपको सीख लेनी चाहिए दोस्तों। वहाँ से आप वीडियो अपलोड अगर करते हैं तो आप करना छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ से कोई भी रैंकिंग नहीं आएगी। देन आपको क्या करना है कि वहाँ पर, यहाँ पर आपको आना है जो अपनी YouTube है, ठीक है? YouTube एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको आ जाना है इजीली से, ठीक है? वहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना। देन आपको प्लस पे आना है, प्लस पे आने के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देन आप उस पर एक बार ओके करेंगे, उसके बाद आपके सामने बहुत सी वीडियो, जो भी आपकी वीडियो होगी वो आपकी शो हो जाएंगी। देन वहाँ से क्या करना है कि आपकी जो वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। देन थोड़ा नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करने का, यहाँ पर एड टाइप जो है डिटेल्स देने के लिए और नीचे बोल रहा है, तो यहाँ पर टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। और पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे तीन नंबर पर आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक? प्राइवेट, अनलिस्ट, पब्लिश। तो आपको क्या करना है, मेरा क्या है अनलिस्ट है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अनलिस्ट पे आपको जो है टिप करके रखना है, ना ही पब्लिश करना है ना ही प्राइवेट करना, आपको अनलिस्ट पे करके और वो जो है बैक कर देना है, ठीक है? बैक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं आपको बाद में बताऊँगा। देन आपको यहाँ पर क्या है कि आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा जो बच्चों के लिए होता है, ठीक है? आपका अगर वीडियो बच्चों के लिए है तो आप यस भी कर सकते हैं, देन आपका बच्चों के लिए नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। मैंने ऑटोमेटिक नो पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद आपको बैक चला जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको वीडियो जो है उसको अपलोड कर देनी है। देन आपके पास प्ले लिस्ट तो होगी नहीं जो आप यहाँ से अपलोड करें,
क्योंकि आप न्यू यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेलिस्ट आपकी जो होती है वो तो होगी नहीं, तो आपको क्या है यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। देन आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना अपलोड हुआ है, क्या हुआ है, सारा कुछ आप डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गया। देन आपको क्या करना है कि अपने बाइटी स्टूडियो जो होता है आपको क्या करना है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है उसका इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। देन उस पर क्या करेंगे, आप एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट पे आपको पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्या क्लिक कर देना है एक बार। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो पेंसिल का आइकन होता है वहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत सी जो थंबनेल्स हैं आपके सामने आ चुकी हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी थंबनेल हो, अच्छी सी थंबनेल आपने जो भी आपने बनाई हो उसको क्या करना है आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इस थंबनेल को ले लेता हूँ, देन आपको डन कर देनी है, उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। उसके बाद आपको देन जैसे आपकी वीडियो कोई भी, जैसे हमारी वीडियो जैसे है पबजी के ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पबजी, ठीक है, जैसे BGMA है तो बैटल ग्राउंड मोबाइल के ऊपर है ना, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ठीक है, डाउनलोड कैसे करें, ठीक है, डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही थंबनेल पे लिखा है। और एक चीज़ जो आपको क्या करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप थंबनेल में लिखेंगे ना वही आपको टाइटल में लिखना है, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर आपका मैच नहीं होता तो आपको सामने बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि कोई देखेगा कुछ थंबनेल में कुछ है और टाइटल में कुछ है, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो उस पर क्या करना है कि आपको जो भी आपने थंबनेल में लिखा है ना, तो वही आपको सेम टू सेम आपके टाइटल में आपको दे देना है दोस्तों। उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बारीकी से समझिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको फिर से आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो होती है डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एक बार, उसको यहाँ पर लाएंगे, आपका जो भी टाइटल हो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टेप करना, उसके बाद कोमा जरूर लगाना ऐसी तरीके, ठीक है, डॉट सॉरी कोमा इस टाइप से, ठीक है। कोमा जब लगाएंगे तो आपका जो है इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोमा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर आप कोमा लगाते तो आपके जो टैक्स होते हैं 100% में गारंटी लेता हूँ कि वर्किंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, सेव तो कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसी चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बहुत बारीकी से बताता हूँ, तो कोई आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको क्या करना है, उसके बाद आपको एक बार लिख लेना, ठीक है, आपको थोड़ा सा चेंजेस सिर्फ करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार उसको लिख लेना, देन मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, इस वीडियो में मैं चलता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने इस वीडियो को बनाया था, तो इस वीडियो पर मैं चलता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ का जो मेरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मैं आ गया, सॉरी नेट बहुत ज़्यादा साला स्लो चल रहा है इस टाइम, और यहाँ पर आने के बाद धन देख सकते हैं जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है मैंने कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करना है, कुछ जो आपका जो नॉर्मली होता है रोल में नॉर्मल रूटीन जो होता है वो आपको क्या करना है, यहाँ से इस टाइप से ले लेना है और वहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो नॉर्मली रूटीन होता है जो हाँ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपकी किसी वीडियो की लिंक या आपका किसी भी जैसे YouTube चैनल का लिंक, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका जो भी जैसे बटल ग्राउंड पे था तो यहाँ पर हैशटैग आपको लगा देना है, ठीक है, हैशटैग बटल ग्राउंड मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बटल ग्राउंड तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पहले बटल ग्राउंड मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी है पबजी का है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ पर दो चार ज़्यादा नहीं लगाने, भर भर के टैक्स आपको नहीं लगाने हैं, थोड़े से टैक्स लगाने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही टैक्स आपको लगाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना है और इस टाइप से इस कर देना है, ठीक है। और फिर से आपको इसी तरह से दबाना है, जैसे कुछ भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको धन पीछे चलना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है होम पेज पर, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। तो आपको जो बहुत से जो सर्च में इस टाइम कीवर्ड्स चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर जो है शो करा देगा। कहाँ पे शो कराएगा, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे लोग सर्च करते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, वो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से बात सुननी है मेरी,
जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जो गूगल से लोग पूछते हैं, जो गूगल से लोग सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बैटल ग्राउंड एपी की जो यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर सर्च कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों इनको क्या करना है, इनको आपको जो है पेस्ट कर देना है, कॉपी कर लेना। किस टाइप से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आपको टैग करना है, देन उसके बाद इस तरीके से आपको लेके आना है, वो इसको यहाँ से फिर से हटा देना है, उसके बाद देन कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता ही है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ऐसे दे देना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो था यहाँ पे ही मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आप आशा करता हूँ मैं सब कुछ सारा कुछ समझ चुके होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।